हेलो, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल सेनरा एडवांस एजुकेशन। टुडे वी विल लर्न चैप्टर नंबर 8, मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स। आज के इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि हमारे मल्टीपल्स क्या होते हैं एंड फैक्टर्स क्या होते हैं, और साथ ही साथ आज के इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि इवन नंबर्स क्या होते हैं, ऑड नंबर्स क्या होते हैं, और प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, और कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, को प्राइम क्या होते हैं हमारे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले देखते हैं मल्टीपल। मल्टीपल क्या होता है? मल्टीपल इज डैट नंबर विच कम्स, मल्टीपल एक वो नंबर है विच कम्स जो आता है इन द मल्टीप्लिकेशन टेबल, मल्टीप्लिकेशन के टेबल में ऑफ गिवन नंबर, जो भी नंबर हमें दे रखा है। जैसे हमें नंबर दे रखा है 6, अब 6 के टेबल में जो भी नंबर्स हमारे आते हैं वो सभी मल्टीपल्स हो गए 6 के। जैसे 6 1 6, 6 2 12, 6 3 18, 6 4 24, 6 5 30, तो ये सभी जो है मल्टीपल्स हो गए 6 के। 8 के टेबल में जो भी नंबर्स आते हैं वो सभी 8 के मल्टीपल्स हो गए। 5 के टेबल में जो भी मल्टीपल आएंगे वो सब 5 के मल्टीपल हो जाएंगे। तो मल्टीपल हमें समझ में आ गया। अब देखते हैं फैक्टर। फैक्टर्स क्या होते हैं? फैक्टर इज डैट नंबर ऑफ अ गिवन नंबर। फैक्टर हमारा वो नंबर होता है, जो भी नंबर हमें दे रखा होता है, विच डिवाइड इट एग्जैक्टली, विच डिवाइड्स इट एग्जैक्टली, जो भी उसे पूरी तरीके से, मतलब विदाउट लीविंग एनी रिमाइंडर, बिना किसी रिमाइंडर को छोड़े ही हमारा कम्प्लीटली डिवाइड कर देता है, वो हमारा फैक्टर होता है। जैसे 20 है, 20 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा, 20 को 4 से डिवाइड करेंगे तब भी कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा। तो जब भी रिमाइंडर हमारा कुछ ना बचे और कोई नंबर कम्प्लीटली डिवाइड हो जाए तो वो हमारा फैक्टर्स हो जाते हैं। 20 के फैक्टर्स 1 भी है, क्योंकि 1 से भी 20 डिवाइड हो जाएगा, 2 भी है, 2 से भी 20 डिवाइड हो जाता है, 4 भी हो गया, 5 भी हो गया, 10 भी हो गया, और 20 भी, 10 2 20, रिमाइंडर कुछ नहीं बचा, 20 1 20, रिमाइंडर कुछ नहीं बचा। तो ये सब हमारे फैक्टर्स हो गए। अब हम जानते हैं कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। इससे पहले इवन और ऑड की भी बात कर लेते हैं। जो भी नंबर हमारा 2 से डिवाइड होता है या जिस भी नंबर के लास्ट में 0 2 4 6 8 आए वो हमारे इवन नंबर्स होते हैं। तो इवन नंबर अगर हमें देखने हो तो 2 4 6 8 10 12 14 16, ये सभी हमारे इवन नंबर्स हो गए। और ऑड नंबर्स में क्या हो गया? 1 3 5 7 9 11 13 15 17, ये सभी हमारे ऑड नंबर्स हो गए। अब हम देखते हैं प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं हमारे? द नंबर्स विच हैव एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स हमारे होते हैं जिनके 2 फैक्टर होते हैं। जैसे हमने ले लेते हैं नंबर 7। अब अगर हम 7 के फैक्टर्स देखेंगे, 7 का फैक्टर या तो 7 1 के टेबल में आएगा या 7 के टेबल में आएगा, और किसी के टेबल में 7 आएगा ही नहीं, तो 7 हमारा एक प्राइम नंबर हो गया। अगर मैं बात करूँ 8 की, 8 हमारा 1 के टेबल में आएगा, 2 के टेबल में आएगा, 4 के टेबल में भी आ जाएगा, और 8 के टेबल में भी आ जाएगा, तो ये हमारा प्राइम नंबर नहीं हुआ, क्योंकि इसके 1 2 3 4 फैक्टर्स हो गए। जिनके 1 से 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं इन्हें हम कहते हैं कंपोजिट नंबर। तो 8 हमारा एक कंपोजिट नंबर हो गया और 7 हमारा एक प्राइम नंबर हो गया। और 1 क्या है? 1 ना तो प्राइम होता है ना कंपोजिट होता है। क्यों? क्योंकि 1 का बस एक ही फैक्टर होता है। और प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स के 2 फैक्टर होने चाहिए, लेकिन 1 का केवल 1 का ओनली 1 फैक्टर होता है, इसलिए ये हमारा ना तो प्राइम में गिनते हैं ना कंपोजिट में। तो अब देखते हैं कि प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर की लिस्ट, जैसे ये दे रखी है, एक हमें टेबल दे रखी है, इसमें हम क्या करेंगे? देखिए 2 को छोड़ के, 2 के अलावा कोई भी इवन नंबर हमारा प्राइम नंबर नहीं होता। हमारा बस एक ही इवन नंबर प्राइम नंबर है और वो है 2, क्योंकि 2 या तो 1 के टेबल में आएगा या 2 के टेबल में आएगा, तो 2 हमारा प्राइम नंबर है। 3 हमारा 1 के टेबल में आएगा या 3 के टेबल में आएगा, 3 प्राइम नंबर है। 4 हमारा प्राइम नंबर नहीं है, 4 कंपोजिट है। क्यों? क्योंकि 4 2 के टेबल में आ जाएगा। 5 या तो 1 के टेबल में आएगा या 5 के टेबल में आएगा, ये भी प्राइम हो गया। 6 नहीं है क्योंकि ये तो इवन नंबर है, इवन नंबर को तो छोड़ ही दो। 7 है क्योंकि 7 या तो 1 के टेबल में आएगा या 7 में, 8 को तो हमें देखना ही नहीं है। 9 भी नहीं है क्योंकि 9 3 के टेबल में आता है, 10 से हमें कोई मतलब नहीं है, तो 10 भी एक इवन नंबर है। 11 हमारा एक प्राइम नंबर हो गया क्योंकि 11 या तो 1 के टेबल में आएगा या 11 के में, 12 हमें देखना ही नहीं है, इवन नंबर है। 13 हमारा प्राइम नंबर हो गया, 14 नहीं है, 15 नहीं है, 15 क्यों नहीं है? क्योंकि 5 के टेबल में आ जाएगा। 16 तो इवन नंबर है, इवन नंबर को तो छोड़ते चले जाओ। तो इस तरीके से हमें प्राइम और कंपोजिट नंबर को देखना है। अब चलते हैं एक्सरसाइज नंबर 8.1 पे। फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स
राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग, कि हमें जो है इन सभी के फैक्टर्स बताने हैं। पहला है क्वेश्चन नंबर 6, फर्स्ट है हमारा 6। तो हमें देखना है कि 6 जो है कौन कौन से टेबल से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है। 6 हमारा 1 के टेबल में आएगा, 1 के टेबल में तो सभी नंबर्स आते हैं, तो 1 तो हमारा आ ही गया। 1 के बाद 2 के टेबल में भी 6 आएगा, तो 2 भी हो गया। 3 के टेबल में भी 6 आता है, 3 2 जा 6 3 भी हो गया। एंड 6 के टेबल में 6 आएगा, 6 1 जा 6। तो ये हमारे इसके आंसर हो गए 1, 2, 3 एंड 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 देखते हैं। 1 के टेबल में तो सभी आते हैं, तो 1 हो गया। अब 24 2 के टेबल में भी आता है। अब आपको अगर टेबल तो 2 10 20 तक होते हैं, लेकिन जो है जिस भी नंबर के लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 होते हैं, वो हमारे 2 से डिवाइड होते ही होते हैं। सो हमारा 24 भी हमारे 2 से डिवाइड हो जाएगा। 3 के टेबल में 24 आता है, 3 8 जो 24। 4 के टेबल में आप ये 26 4 के टेबल में भी 24 आता है, 6 में भी आता है, 8 में भी आता है, 12 में भी आता है एंड 24 के टेबल में भी आता है। तो ये सभी हमारे जो है फैक्टर्स हो गए 24 के। ऐसे 20 के फैक्टर चेक करने हैं। 1 के टेबल में तो आएगा ही आएगा 2 10 जो 20, 3 में नहीं आएगा, 4 में आएगा 4 5 जो 20, 5 में आता है 5 4 जो 20, 6 में नहीं आता 6 3 जो 18, फिर 7 में भी नहीं आता 7 2 जो 14, 7 3 जो 21, 8 में भी नहीं आएगा, 9 में भी नहीं आएगा, फिर किस में आएगा 10 में 10 2 जो 20, और 10 के बाद सीधा किस में आएगा ये 20 में 21 जो 20। अब ऐसे ही चेक करते हैं 72 के। 1 तो आना ही आना है, 72 के लास्ट में 2 आ रहा है, और 72 एक इवन नंबर है तो 2 से डिवाइड होगा ही होगा। अब चेक करेंगे 3 से होगा या नहीं होगा। अब हम इसे 3 से डिवाइड करके देख सकते हैं, या तो हम 3 से डिवाइड करके देख लो, या एक तरीका और है कि 7 2 होगा 9, 9 हमारे 3 के टेबल में आता है तो ये 3 से डिवाइड होगा ही होगा। अब हम इसे 72 को 4 से डिवाइड करके देखेंगे, तब भी कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा, तो 4 भी एक फैक्टर हो गया। 6 से 5 से करके देखेंगे, 5 से तो होगा नहीं, 5 से तो हमारे वही नंबर डिवाइड होते हैं या तो जिनके लास्ट में 0 हो या 5 हो, इसके लास्ट में 2 है तो 5 तो यहाँ पे आना ही नहीं है। 6 के टेबल में 6 से डिवाइड करके देखेंगे, 6 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा, 7 से नहीं होगा। 8 के टेबल में 72 आता है, 9 में आता है, 10 में नहीं आता, 11 के टेबल में नहीं आता, 12 के टेबल में आता है 12 6 जा 72, 18 में भी आता है, 24 में भी आता है, ठीक 24 के बाद 36 में आता है, 36 2 जा 74, और जब भी 2 जा आ जाए हमारे जैसे 36 2 जा 72, तो उसके बाद सीधा लास्ट नंबर 72 ही होगा। जैसे इसमें भी हो गया 10 2 जा 20, 2 टाइम्स चल गया, तो नेक्स्ट नंबर हमारा सेम 20 का 20 आ जाएगा। जैसे इसमें 12 2 जा 24, 2 टाइम्स 12 से आ रहे हैं, तो 12 के बाद जो नेक्स्ट नंबर होगा वो लास्ट होगा 24। तो इसी तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर ए कंप्लीट करने हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर बी। राइट फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ द फॉलोइंग, कि फर्स्ट 5 मल्टीपल्स हमें फाइंड करने हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4, 4 की मल्टीपल पहले 1 में 4 1 जा 4, फिर 2 में 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20। तो ये हमारे फर्स्ट 5 मल्टीपल्स हो गए 4 के। अब ऐसे 3 के 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15। ये सभी हमारे 3 के मल्टीपल्स हो गए। अब 7 के चेक करने तो 7 का टेबल पढ़ेंगे, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, 7 5 जा 35। और लास्ट देखते हैं 12 का, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, 12 4 जा 48 एंड 12 5 जा 60। तो हमारे क्वेश्चन नंबर ए और बी कंप्लीट हो गए। इसमें जो क्वेश्चंस बचे हैं वो आपको खुद ही सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर सी। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर प्राइम, क्या बताने कि इनमें से कौन कौन से नंबर हमारे प्राइम है। और फर्स्ट क्वेश्चन जो हमें दे रखा है वो है 11। 11 को चेक करते हैं कि प्राइम है या नहीं है। देखो 11 या तो 1 के टेबल में आएगा या हमारा 2 के टेबल 11 के टेबल में आएगा, तो बस दो ही फैक्टर हुए। जिनके दो फैक्टर होते हैं वो हमारे प्राइम होते हैं, सो 11 इज़ अ प्राइम नंबर। 18 हमारा प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि 18 तो एक इवन नंबर है, और जहाँ भी इवन नंबर आ जाए वो तो हमारा प्राइम होगा ही नहीं। बस 2 एक हमारा ऐसा इवन नंबर है जो हमारा प्राइम नंबर होता है, तो 2 के अलावा कोई भी इवन नंबर आए सो वो हमारा एक प्राइम नंबर नहीं होता। 3 जो है हमारा एक प्राइम नंबर है, यहाँ पे जो है आप इसे कट कर लेना, 3 या तो 1 के टेबल में आएगा या 3 के टेबल में आएगा, सो 3 इज़ अ प्राइम नंबर। यहाँ पे 3 इज़ अ प्राइम नंबर, तो 3 भी हमारा एक प्राइम नंबर होता है। तो इसी तरीके से आपको चेक करने सारे,
और अगर आपको कोई इसमें दिक्कत हो तो आप जो है टेबल, वो जो अभी टेबल दिखाई थी मैंने, ये जो आपकी बुक में दे रखी है टेबल, इस टेबल की हेल्प से भी फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर। क्वेश्चन नंबर फोर क्या है, राइट ऑल प्राइम नंबर्स बिटवीन 20 to 40। 20 से 40 के बीच के में प्राइम नंबर्स फाइंड करने हैं। अब चेक करते हैं 20 से, देखो 21 हमारा प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि 3 के टेबल में 21 आता है। 22 तो हमें चेक ही नहीं करना क्योंकि इवन नंबर है। 23 हमारा किसी के टेबल में नहीं होता, तो 23 हमारा एक प्राइम नंबर हो गया। 24 हमें चेक ही नहीं करना क्योंकि इवन है। 25 भी चेक नहीं करना क्योंकि लास्ट में 5 आ रहा है। 26 भी चेक नहीं करना क्योंकि इवन नंबर हो गया। 27 हमारा 3 के टेबल में आता है, ये तो है ही नहीं। 28 हमें चेक ही नहीं करना क्योंकि ये 28 एक इवन नंबर है। तो अब क्या आ गया हमारा 29 के बाद 30 एक इवन नंबर है, देखना ही नहीं है। 31 भी एक हमारा प्राइम नंबर हो गया, ये या तो 1 के टेबल में आएगा या 31 के टेबल में। फिर 32 इवन नंबर हो गया, चेक ही नहीं करना। 33 11 के टेबल में आता है, ये भी नहीं है। 34 इवन है, चेक नहीं करना। 35 चेक ही नहीं करना, लास्ट में 5 आ रहा है। 36 इवन नंबर है, ये भी चेक नहीं करना। सो 37 है एक हमारा प्राइम नंबर हो गया। 38 इवन है, चेक नहीं करना। 39 13 के टेबल में आता है, ये भी नहीं है। और 40 तो हमारा इवन नंबर है ही। तो हमारे प्राइम नंबर्स कौन कौन से आ गए, 23 29 31 एंड 37। क्वेश्चन नंबर डी आपका कंप्लीट। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर ई। क्वेश्चन नंबर ई जो है, क्वेश्चन नंबर ई में सभी कंपोजिट नंबर हमें फाइंड करने हैं। टेबल की हेल्प से आप अपने आप करो कंपोजिट क्या होते हैं जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर हो, तो ये भी आप अपने आप करोगे। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, शो डैट फॉलोइंग पेयर्स आर कोप्राइम, कि ये हमारे कोप्राइम नंबर्स है या नहीं। फर्स्ट है 5 and 9, तो 5 के फैक्टर्स कर लेंगे पहले हम। 5 या तो 1 के टेबल में आएगा या 5 के टेबल में। 9 के फैक्टर करेंगे, 9 1 के टेबल में आएगा या 3 में आएगा या 9 में आएगा। अब देखो इनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है 1 के अलावा, 1 को छोड़ देते हैं। सो देयर इज़ नो कॉमन फैक्टर ऑफ 5 and 9। 5 and 9 का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं अदर देन 1, 1 के अलावा। जिनके भी कॉमन फैक्टर हमारा 1 होता है वो हमारे को प्राइम नंबर्स होते हैं। सो दे आर को प्राइम। नेक्स्ट 10 and 13, तो हम पहले 10 के फैक्टर्स देखेंगे। 10 या तो 1 के टेबल में आएगा या 2 के टेबल में आएगा। 2 5 10, 3 में नहीं आएगा, 4 में नहीं आएगा, 5 में आएगा, 5 2 10 और या फिर 10 में आएगा। अब 13 या तो हमारा 1 के टेबल में आता है या 13 के टेबल में आता है, तो इनमें भी कॉमन फैक्टर क्या दिखाई दे रही है, 1। देयर इज नो कॉमन फैक्टर ऑफ 10 and 13। 10 and 13 का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है अदर देन 1, 1 के अलावा। सो दे आर को प्राइम, ये भी हमारे को प्राइम नंबर्स हो गए। अब ऐसे ही 84 and 89। 84 हमारा 1 के टेबल में आ जाएगा, इवन नंबर है, 2 में भी आ जाएगा, 3 में भी आ जाएगा, 4 में भी आ जाएगा। जब हम 84 को डिवाइड करके देखेंगे तो 84 हमारे इन सब के टेबल में आ जाएगा, पूरा पूरा कम्प्लीटली डिवाइड कर देगा। और हम चाहे तो हमें ज़रूरत नहीं इतना कंप्लीट करने की, इसे हम पहले 89 को भी देख सकते हैं। 89 या तो 1 के टेबल में आता है या 89 के टेबल में आता है, तो वैसे भी हमें पता चल गया कि इसमें 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर है ही नहीं। सो देयर इज़ नो कॉमन फैक्टर ऑफ 84 and 89 अदर देन 1, सो दे आर कोप्राइम। तो ये भी हमारे कोप्राइम नंबर्स हो गए। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट देखेंगे हम अगली वीडियो में।